हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर बनाने वाली हूँ जो कि मैंने कच्चे आम से बनाया हुआ है और आप इसे सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो चलिए गाइस फटाफट से बनाना स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 8 से 10 कच्चे आम धुल के लिया है। आमों को सिलेक्ट करने में आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आम खट्टे वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी आमों को अच्छे से छील लें ताकि इनमें बिल्कुल भी छिलका ना रह जाए। यहाँ पे मैंने सभी आमों को अच्छे से छील के रेडी कर लिया है, आप सब देख सकते हैं। चलिए अभी इन आमों को काटने की बारी आ गई है, तो मैं इनको छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। पहले आप बड़े काट लीजिए, फिर उसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। मैंने इन आमों को करीब 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लिया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। आमों को 2 से 3 दिन तक कड़ी धूप में सुखा लेंगे अच्छे से, ताकि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रह जाए। तो सो गाइस, आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से सुखा लिया है, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह गया है। ना तो मैंने इनको बहुत सॉफ्ट किया है और ना ही मैंने बहुत हार्ड किया है, इसी कंडीशन में इनको रखना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है ये काफ़ी अच्छे तरीके से सूख चुका है। इन सभी आमों को मिक्सर जार में डाल के महीन पीस लेंगे। काफ़ी देर तक मिक्सी को चलाते हुए बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। अमचूर पाउडर हमारा लगभग पीस के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको करीब 10 से 15 मिनट पीसते हुए महीन पाउडर तैयार कर लिया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो चलिए इसको अभी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको दरदरा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करना है। अमचूर पाउडर हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में, या फिर आप स्टील में या फिर प्लास्टिक के डब्बे में इसको आप स्टोर करके रख दीजिए। इसको आप साल भर तक आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाला है। तो ये हमारा बिना मिलावट का होममेड अमचूर पाउडर बिल्कुल बनके तैयार है। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।